दोस्तों, आज मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचा देने वाली एक टेक्नोलॉजी न्यूज है। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जो सिर्फ अपग्रेड नहीं, गेम चेंजर है। चलिए नए GPT-4o मॉडल की डिटेल्स में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो GPT-4o की इतनी बड़ी बात क्या है? सबसे पहले तो ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। OpenAI ने अपने GPT-4 मॉडल का एक तेज, स्मार्ट और ज्यादा बेहतर वर्जन लॉन्च किया है। सोचिए, अगर आप किसी AI से बात करें जो सिर्फ टेक्स्ट में नहीं बल्कि रियल टाइम में ऑडियो या इमेज के जरिए जवाब दे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बात GPT-4o को सबसे अलग बनाती है कि ये टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो को आसानी से समझ सकता है। जैसे आप कोई सवाल जोर से पूछे और तुरंत ऑडियो में जवाब मिले। ये किसी ऐसे दोस्त से बात करने जैसा है जो जवाब देने में बहुत तेज है, लेकिन इस केस में ये AI है। यहाँ GPT-4o की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। रियल टाइम वॉइस कॉन्वर्सेशंस। GPT-4o मानव भाषण पैटर्न्स की नकल कर सकता है, जिससे आसान और प्राकृतिक बातचीत संभव होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप GPT-4o के साथ वेकेशन पर चर्चा कर रहे हैं या अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टाइल पर रियल टाइम फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। मल्टी मॉडल कॉन्टेंट क्रिएशन। क्या आपको किसी पेंटिंग से प्रेरित एक कविता चाहिए? GPT-4o इसे हैंडल सकता है। यह वेरियस सोर्सेज और इनपुट्स पर आधारित विभिन्न रचनात्मक टेक्स्ट फॉर्मेट्स जैसे कि पोम्स, कोड, स्क्रिप्ट्स, म्यूजिकल पीसेस, ईमेल, लेटर्स आदि उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप GPT-4o को एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट प्रदान कर सकते हैं और उससे इसे आकर्षक तरीके से समझाने वाली ब्लॉग पोस्ट लिखने को कह सकते हैं। इमेज एंड ऑडियो इंटरप्रिटेशन। GPT-4o इमेजेस और ऑडियो फाइल्स की कंटेंट को एनालिस और समझ सकता है। इससे विभिन्न एप्लीकेशंस के द्वार खुलते हैं। उदाहरण के लिए, आप GPT-4o को अपनी छुट्टियों की एक तस्वीर दिखा सकते हैं और उस लोकेशन पर आधारित एक रचनात्मक लेखन प्रॉम्प्ट का सजेशन मांग सकते हैं, या आप एक गाने की ऑडियो क्लिप चला सकते हैं और GPT-4o से उसी स्टाइल में लिरिक्स लिखने को कह सकते हैं। फास्टर प्रोसेसिंग। OpenAI का दावा है कि GPT-4o लगभग रियल टाइम रिएक्शन को देने में सक्षम है, जो मानव प्रतिक्रिया समय के समान है। यह GPT-4o के साथ बातचीत को एक वास्तविक व्यक्ति के साथ बातचीत की तरह महसूस कराता है, न कि एक मशीन के जानकारी प्रोसेस करने का इंतजार करने जैसा। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। OpenAI सिर्फ उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो ऐसे फीचर्स भी ला रहे हैं जो पहले सिर्फ पेड यूजर्स के लिए थे, ताकि सबको इसका फायदा मिले। फ्री यूजर्स के लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है। वेब सर्च करने की क्षमता, अलग अलग तरह के वॉइस रिस्पॉन्स और एक मेमोरी फीचर जिससे चैटबॉट आपकी पिछली बातचीत को याद रख सकता है। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। जैसा कि OpenAI के हेड सैम ऑल्टमैन ने इवेंट के बाद इशारा किया, हमारे पास जल्द ही शेयर करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। इससे उत्सुकता बनी रहती है और पता चलता है कि अभी हम जो देख रहे हैं वो तो बस शुरुआत है। तो हम यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और ज्यादा शामिल हो रहा है। इससे टेक्नोलॉजी सिर्फ तेज नहीं हो रही बल्कि समझने में आसान और सबकी पहुंच में भी आ रही है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के दीवाने हों, डिवेलपर हों या AI के बारे में जानने के लिए उत्सुक हों, GPT-4o एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस पर नजर रखने लायक है। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि GPT-4o कैसे आगे बढ़ेगा और OpenAI आगे कौन से नए फीचर्स लेकर आएगा।